बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के रिवीजन करेंगे। सभी प्रश्न बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं और इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? प्रश्न है, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो समान हो जाता है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे दो नंबर प्रश्न पर। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा। ध्यान देंगे, प्रश्न है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा, तो ये होगा 1 यूनिट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। एक्सरे का शोधक था, आपको बताना एक्सरे का शोधक था, तो एक्सरे के शोधक थे आपका रोएंटजेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोएंटजेन। चार नंबर प्रश्न देखेंगे। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, प्रश्न है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, तो नहीं कर सकती है मानव अस्थि को यानी हड्डियों को, है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है मानव अस्थि को। आ जाएंगे पांच नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित द्रवों में, प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, आपको बताना है द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपको बताना है, तो ये है आपका पारा, है ना, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो पारा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे छः नंबर प्रश्न पर। छः नंबर है, परमाणु बम की खोज किसने की, प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो परमाणु बम की खोज ऑटो हन ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑटो हन। आ जाएंगे सेवन नंबर प्रश्न पर। सात नंबर है, पानी का वाष्प सर्जन है, प्रश्न है, पानी का वाष्प सर्जन है, तो ये है ऊष्मा शोषी परिवर्तन, क्या है, ऊष्मा शोषी परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पानी का वाष्प सर्जन है ऊष्मा शोषी परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आ जाएंगे आठ नंबर प्रश्न पर। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान देंगे, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या होगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगा, है ना, क्या होगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगा। आ जाएंगे नौ नंबर प्रश्न पर। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, आपको बताना है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटता है, सॉरी पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो प्रश्न था दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, घटता है। आ जाएंगे दस नंबर प्रश्न पर। दस नंबर है, गतिमान वस्तु में होती है, प्रश्न है, गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, गतिज ऊर्जा। आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, प्रश्न है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है, ये सभी तरंग धैर्य का विकिरण, है ना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, सभी तरंग धैर्य का विकिरण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न।
सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? प्रश्न है, ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? तो ये क्यों होता है ऐसा? तो ये होता है परावर्तन के कारण। किसका कारण है? ये परावर्तन का कारण है। तो ऑप्शन बी देखेंगे, इसका कारण परावर्तन है। ध्यान देंगे, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? तो ये इसका कारण परावर्तन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पर। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है? प्रश्न है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है आपका, क्या कारण होगा? अपवर्तन का, है ना? क्या कारण होगा? अपवर्तन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अपवर्तन के कारण होता है ये। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पर। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखने में आती है क्योंकि? प्रश्न है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखने में आती है क्योंकि? क्या होता है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ठीक ना? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पर। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा? प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा? तो आपतित कोण होगा 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पर। द्रव की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती है? प्रश्न है, द्रव की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती है? तो गोल होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, पृष्ठ तनाव। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, है ना? पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोल होती है, द्रव की बूंदे गोल होती है, पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पर। 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वो पीड़ित है मायोपिया, ठीक ना? मायोपिया से पीड़ित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मायोपिया। आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न पर। एक मनुष्य को 75 सेमी दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? प्रश्न है, एक मनुष्य को 75 सेमी दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो ये वाला दृष्टि जो दोष होगा ना, वो हाइपर मायोपिया होगा, ऑप्शन होगा। हाँ देखिए, ऑप्शन बी देखिए, हाइपर मायोपिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था, एक मनुष्य को 75 सेमी दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा जो है दृष्टि दोष होगा? तो दृष्टि दोष होगा हाइपर मायोपिया। आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न है, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लिया जाता है? तो उपयोग में लिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लिया जाता है दर्पण बनाने में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 20 नंबर प्रश्न पर। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? परावर्तन कोण होगा कितना? तो ये होगा 60 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 60 डिग्री। आ जाएंगे 21 नंबर प्रश्न पर। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, तो उसके तरंग धैर्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग धैर्य द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पर। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? प्रश्न है,
यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो ये काला दिखाई देगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, काला। आ जाएंगे 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर है, आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न है, आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई पड़ता है, तो नीला दिखाई पड़ने का कारण है परिकीर्णन, है ना? ऑप्शन यहाँ देखेंगे बी, परिकीर्णन के कारण। आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई पड़ता है परिकीर्णन के कारण। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो उपयोग में लिया जाता है उत्तल लेंस का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस का। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप अभी पुलिस फोर्स एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।